अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। एट क्लास हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक किया है, ठीक है। 5.2 भी हमने कर लिया, और 3 जो क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, एडिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये सारा जब मैंने आपको चैप्टर करवाया था तो आपने साथ साथ ये कर लिया था। अगर ये क्वेश्चन आपने तब नहीं किया तो अभी आप ये अपनी नोटबुक पे आपने करना है, ठीक है। डिकम्पोजिशन और एडिशन रिएक्शन के दरमियान आपने फ़र्क लिखना है, ठीक है, डिफरेंशिएट करना है। इसी तरह से बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है, और एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के दरमियान आपने डिफरेंशिएट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 5.4, कंप्लीट द बैलेंस द फॉलोइंग इनकम्प्लीट इक्वेशन। यहाँ पे कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं आपको, ये इनकम्प्लीट है, आपने इनको कंप्लीट करना है। ये देखें, मैंने आपको यहाँ पे आंसर प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। यहाँ से देख के आपने अपनी नोटबुक पे नहीं, अपनी बुक पे लिखना है, ठीक है। नोटबुक पे ये काम नहीं करना, ये आपने बुक पे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 5.5, बैलेंस्ड द इक्वेशन। ये आपने बैलेंस्ड करना है, ये अनबैलेंस्ड इक्वेशंस हैं, इनको बैलेंस्ड करना है। ये देखें, ये भी मैंने किया हुआ है यहाँ पे सॉल्व। यहाँ से देख के आपने इसी बुक पे करना है, नोटबुक पे नहीं करना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, क्वेश्चन नंबर 5.6 आपने नहीं करना, ठीक है। 5.7 आपने करना है, इनकी आपने एग्जांपल्स देनी है, दो दो एग्जांपल्स लिखनी है, ठीक है। केमिकल इक्वेशंस इनकी लिखनी है यहाँ पे, एडिशन रिएक्शन की दो एग्जांपल लिखनी है, इसी तरह से डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये आपके बुक पे गिवन है, मैं आपको पोर्टल पे भी आंसर इसका प्रोवाइड कर दूंगी। इनकी आपने एग्जांपल्स लिखनी है, ठीक है, और केमिकल रिएक्शंस वाली एग्जांपल लिखनी है। वैसे डेली लाइफ में और जिस तरह से केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनकी एग्जांपल लिखनी है। यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आ जाएं आप लोग। ये क्वेश्चन है, हाउ डू द फॉलोइंग रिएक्शंस पे इस, हाँ जी, रिएक्ट टुगेदर। जब ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? आयरन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? इसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिया हुआ है, ठीक है। ये आज का आपका काम है, और लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको पोर्टल पर प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।